अस्सलाम वालेकुम, ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद उमर जी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल। लास्ट लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन के बारे में बात की थी। आज हम इस लेक्चर में सेंट्रियोल के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें, वहां पे इस चैनल की वीडियोस की PDF फाइल प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सेंट्रियोल क्या है? ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो कि सेल में माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है और सेंट्रोसोम में एक सेंट्रियोल दूसरे सेंट्रियोल से राइट एंगल में मौजूद होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक सेंट्रियोल 9 माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है और इन 9 माइक्रोट्यूब्यूल में भी हर ट्यूब्यूल फर्दर 3 ट्यूब्यूल पर डिवाइड होती हैं या मुश्तमिल होती हैं और सेल डिवीजन से पहले ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है और हर पेयर अपोजिट साइड में न्यूक्लियस में मूव करता है या माइग्रेट करता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन सेल में होती है। नेक्स्ट सेंट्रियोल की लोकेशन है। सेंट्रियोल एनिमल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल और कुछ लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन ये हर प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। लास्ट पे है सेंट्रियोल के फंक्शन। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में लोकेशन फॉरिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये सीलिया की फॉर्मेशन के लिए और सेल में क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सेल में माइक्रोट्यूबुल की ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेशन के लिए भी सेंट्रियोल का एक अहम किरदार है। थैंक यू फॉर दिस।